बस 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 पिटली है गई खुश चुड़ैल। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे हुए, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। और भाई कल का दिन कैसा गया था मैंने सब कुछ आपको बताया ही था। ऊपर से शाम के टाइम में मैं चला गया था बाल कटवाने के लिए, क्योंकि कल से श्राद्ध शुरू होने वाले हैं और घर का सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ, तो भाई जितने भी कार्यक्रम होते हैं श्राद्धों के वो सारे मुझे करने पड़ते हैं। तो 16 दिन तक बाल कटवाने का या शेविंग करवाने का कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे श्राद्धों में बाल कटवाए नहीं जाते हैं, खास तौर से जो प्रोग्राम जो काम करता हो पानी देने का वगैरह का वो मुझे करना पड़ता है। तो भाई कल ही मैं चला गया था शाम को बाल कटवाने के लिए। और भाई इस बार भाई ने पता नहीं क्या किया यार, पूरा चेहरा अजीब से लग रहा है, मुझे खुद अपना चेहरा अजीब लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा होगा पता नहीं मुझे। तो भाई पूरे बालों की ऐसी की तैसी कर दी उसने, भगवान जाने किस नशे में बाल काटे मेरे, बिल्कुल यार ये कड़ी नहीं रहे, कंघे में आ ही नहीं रहे, मैं जितने भी कोशिश कर रहा हूँ ना सीधे खड़े हो जाते हैं, इधर से इधर लटक के आ जाते हैं। तो भाई ने बैंड बजा दिया मेरे बालों की। फिलहाल नहा धो के रेडी हो ही चुके हैं, गाड़ी की साफ सफाई मैंने कर ली, हमारी महिंद्रा 3 रेडी है, तो निकलते हैं मथुरा जंक्शन के लिए। एक नया दिन और एक नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं भाई। गुरुवार का दिन है, वैसे भी कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, मैं पिछले कई दिनों से आपसे कह रहा हूँ जैसे श्राद्ध शुरू होते हैं ना बिल्कुल काम जीरो हो जाता है। अभी तो वैसे ही मामला ठंडे वस्ते में पड़ा हुआ था, अब श्राद्धों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो बंसीवाला जैसे कटवाए वैसे कटेगी भाई। निकलते हैं यहाँ से, शुरू करते हैं अपना दिन, पहुँचते हैं मथुरा जंक्शन पर। के रेडी होके मथुरा जंक्शन पे आ चुके हैं, 8:15 बज चुके हैं। और भाई सबसे पहले आप लोगों के उस सवाल का जवाब, बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं मथुरा में भैया क्या सच में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई थी? हाँ भाई, ये सुबह 5 बजे आगरा से दिल्ली के लिए एक शटल चलती है, वो गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चढ़ गई थी, बहुत हंगामा हुआ है उसके पीछे। सुबह के टाइम में सारी गाड़ियों वालों को भगा दिया था, क्योंकि बहुत से अधिकारी आए थे देखने के लिए, सच में चढ़ गई थी यार। अभी तो कोई नहीं, नॉर्मल हो चुका है, जो ट्रेन वेन चढ़ी थी वो सब कुछ ठीक कर दिया गया है, लेकिन हाँ चढ़ गई थी ये सच है भाई। और भाई सवारियाँ निकली हुई हैं, जल्दी से काम में लग जाते हैं, देख लेते हैं कुछ। वैसे भी आज का गुरुवार का दिन है, अगर ये सुबह का टाइम निकल गया ना तो पूरे दिन खड़ा रहना पड़ेगा, कुछ पकड़ने के बाद फिर मिलता हूँ आपसे। हेलो, वृंदावन का रास्ता आज फिर से बंद है, लंबा जाम। वृंदावन का चक्कर लेके गया था यहाँ मथुरा जंक्शन से, वृंदावन पहुंचा, सवारी लेके वापस मथुरा जंक्शन पे आ चुका हूँ। और एक हमारा एक छोटा ड्राइवर है, जब यहाँ से गया था मुझे मालूम नहीं था कि वृंदावन में आज इतनी भीड़ हो सकती है, क्योंकि गुरुवार का दिन था, अंदाजा यही था कि जैसा नॉर्मल टाइम पर रहता है वैसा ही होगा, खुला रास्ता मिल जाएगा। पागल बाबा पे भाई बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, जब वापस आ रहा था तो मैंने आपको दिखाया था 1 किलोमीटर लंबी लाइन है पागल बाबा से, रास्ता जो वृंदावन अंदर जाने वाला है वो बंद कर रखा है। जब गया था मुझे पता ही नहीं था ऐसा अंदाजा होगा, लेकिन पता चला कि कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं ना, कल की श्राद्ध की श्राद्धों की पूर्णमासी या क्या बोलते हैं उसको, कल से वो होने वाला, तो थोड़ी सी पब्लिक एक्स्ट्रा आई हुई है, उसके चक्कर में बंद कर रखा था।
भाई सवारियां छोड़ी मैंने पागल बाबा पे, 10-10 रुपए कम मिले। सुबह सुबह भूनी खराब हो गई मेरी, फिर मैंने सोचा कि यहाँ से खाली वापस क्यों जाऊँगा, तो चोर रास्ता पकड़ा, वृंदावन में अंदर घुस गया, प्रेम मंदिर से सवारी पकड़ के लाया हूँ। 12:30 हो चुके हैं, भूख लगी है, अब निकल रहे हैं घर के लिए। इससे ज़्यादा दम बची नहीं है वो जोर लगाने की, क्योंकि जितनी भी एनर्जी थी ना वो वृंदावन खा गया सारी की सारी। वैसे यार सवारियाँ निकली हुई हैं, कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, देख लेता हूँ जल्दी से। सवारियाँ निकली हुई हैं, कहाँ जाएंगे भैया? मोतीकुंज, चंदनवन, नटवन नगर, हनुमान नगर। हाँ कुली भाई साहब, वृंदावन। सवारियां तो निकली हैं पर जा कहाँ रही हैं कोई बोल नहीं रहा यार। ये देखिए मथुरा जंक्शन पे सवारियां तो निकल रही थी पर अपने पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा भाई, काफी जोर लगाए, काफी आवाजें लगाई, एक भी सवारी नहीं मिली। तो मैं निकल आया क्योंकि 12:30 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और सुबह जब घर से निकल रहा था हमारी मैडम ने एक काम बता दिया था जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने भी लाले पड़ जाएंगे वरना, क्योंकि घर में हो गया था आटा ख़त्म। तो मैडम बोली दोपहर को जब आओ चक्की से आटा लेते हुए आना। तो भाई मैं आया हूँ चक्की पे, अब आटा उठाते हैं और सीधे घर चलते हैं, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे, ब्लॉग एडिट करेंगे। ये आ गई हमारी चक्की, हमारे सेठ जी राधे राधे, कर दो ऑटो कर दो, हमारो फोटो ना ले रहा, ब्लॉग बना रहा हूँ। हाँ मैं यहीं से ले आता हूँ भाई हमेशा, चाहे घर का पिसवा ना हो या फिर यहाँ से खरीदना हो, आटा बढ़िया मिल जाता है मुझे। पिछले कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि सुबह सुबह जिस दिन मैं कचहरी का चक्कर लगा देता हूँ भाई, दिन में उस दिन कुछ नहीं हो पाता मेरा। आज सुबह मैं गया था, लगभग 1.5 घंटे तक मुझे कोई सवारी नहीं मिली, उसके बाद में मुझे मौका मिला, कचहरी की सवारी आई थी मेरे पास तक कि भैया कचहरी चलोगे, लेकिन मैंने सोच लिया था अगर मैंने कचहरी का चक्कर लगा दिया तो भाई लटक जाऊंगा, आज भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने कचहरी वाली सवारियों से भला कर दिया कि नहीं मैं ले जा रहा। उसके बाद में वृंदावन की सवारी आई, हालांकि गड़बड़ मेरी वृंदावन जाने के बाद भी हुई थी, क्योंकि वृंदावन का रास्ता मुझे बंद मिला था, मुझे पता नहीं था कि पागल बाबा आज गुरुवार के दिन भी बंद हो सकता है। तो भाई सवारियाँ मुझे पागल बाबा उतारनी पड़ी, जिन सवारियों को लेके गया था वो 10-10 रुपये मुझे कम दे के गए। मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार कि सुबह सुबह केवल कम तो सवारी थी, मुझे ज़्यादा सवारी मिली नहीं थी, तो 4 सवारियाँ लेके गया था उसमें भी वो 10-10 रुपये कम दे के गए। तो फिर सोचा यार अब मैं वृंदावन से खाली मथुरा के लिए जाऊँ, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं खाली नहीं जाना, कुछ तो लेके जाना। तो भाई मैं वहाँ से उन सवारियों को छोड़ने के बाद पीछे वाले रास्ते से गया, चोर रास्ते जिन्हें बोलते हैं हम लोग, वहाँ से वृंदावन में घुसा, प्रेम मंदिर पहुँचा और वहाँ से सवारी भर के आया। मतलब ये है कि जो कचहरी लगाने के बाद मैं लटक जाता ना उससे तो बेहतर ही पड़ा, उधर से मैं सवारी लेके आया था उसी में मेरे को 12:30 बज गए थे, लेकिन जब मथुरा जंक्शन पे आया था सवारियाँ निकली हुई थी, मैंने कोशिश भी की थी कुछ सवारियाँ मिल जाए लेकिन एक भी पल्ले नहीं पड़ी। तो मैं दोपहर को घर आ गया, तब से लेके अभी तक घर पे ही था, गाड़ी चार्जिंग पर लगा दी थी, ऐसा मुझे लगा था। मैंने मंकू को बोला था मैंने बाहर से गाड़ी लगा दी है, अंदर से बोर्ड में प्लग लगा दे केवल, मंकू भूल गया हमारा। मैं उसके बाद ब्लॉग में एडिट वगैरह हमका लग गया और थोड़ी सी नींद भी लग गई। शाम के टाइम में जगा और मंकू से बोला कि गाड़ी चार्ज हो गई, मंकू बोला मैंने तो लगा ही नहीं भाई। 1.5 घंटे चार्जिंग पर अब लगा के मैं 5 बजे करीब मैं रेडी हुआ था, मंकू ने लगा ही नहीं। अब मैं रेडी होकर 6:30 बजे जा रहा हूँ, 1.5 घंटे चार्ज किया, देखता हूँ कितनी हुई है। निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए, सुबह के टाइम में जितना हो गया था उतना भी हो गया ना तो दिन संभल जाएगा, और कुछ नहीं हो पाया तो लटक गया भाई, कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि जितने पैसे कमाए थे आज मेरे वो लगभग सारे खर्च हो चुके हैं, 500 रुपये तो अंजलि ने ले लिए अपनी स्कूल की ट्यूशन की फीस देने के लिए, 100 रुपये मंकू ले गया, और भाई आज हमारे बंदर जो हैं छत पे जो टंकी लगी है उसका पाइप तोड़ गए थे, 100 रुपये उसकी एक सॉकेट आई है उसको जोड़ने के लिए। तो मतलब कमाई मेरी बराबर हो ली आज की जो हुई थी। और आपको पता ही दोपहर को जब घर आया था आटा भी लाया था, मैडम ने बोल रखा था जब आटा नहीं होगा घर में तो खाएंगे क्या, तो जितना कमाया था उससे डबल खर्च हो गया आज। चलिए कुछ करके लाते हैं, हो जाएगा तो निकलते हैं यहाँ से। ऐसी कुछ बोल रही थी भाई, अभी क्या कह रही थी, कुछ कह रहा हूँ। और ये चूड़ी किसकी है इतनी बड़ी बड़ी पहन के घूम रही है, किसकी है ये, मम्मी की? और मम्मी की चूड़ी तू क्यों पहन के घूम रही है, गाड़ी में झूलेगी, वो झूलना है, चल तो बैठ जल्दी फटाफट आओ। ये भाई पीछे पड़ी रहती हैं, दो बड़ी तो आज पता नहीं कहाँ है, ये आ गई है तो इसको घुमा देते हैं गली के बाहर तक, उसके बाद निकल जाएंगे। बैठ जा, चले चले बोलो, चलो चलो। ये लो भाई हमारे पड़ोसी गणपति को विसर्जित करने जा रहे हैं, और भैया यूपी वाले गाने हैं।
चेक करना चाहिए और कॉफी का मैं आगे गाइस पहले चेक बस 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 पिटली है गई खुश चुड़ैल मेरे पी थोड़ी रखी हुई बहुत कपड़ों की झाकी मैडम पड़ी पड़ी हंसती रहेगी कुछ बोल नहीं सकती हमसे इतने शैतान बच्चे सब इसकी देन है ये टिब्बे गए टिब्बे कायदा तेरी छाती पे चढ़क कूदेंगे ये जो अंजलि और मयंक है ना है तो दोनों ही मेरे ही बच्चे और भाई कभी कभी इनमें जो झगड़ा होता है ना ऐसा लगता है कि किसी दूसरे दुश्मन का एक बच्चा उठा के ले आया और वो दुश्मनी इन दोनों में अभी तक बरकरार है बहुत भयंकर ये तो केवल आपने हाथापाई देखी है जब इनमें भयंकर होता ना एक दूसरे के हाथ में जो भी पड़ जाए मार देते हैं भाई बिना सोचे समझे अभी दो दिन पहले हुई थी इनमें तो अंजलि ने मंकू का पूरा मुंह हाथ सब नाखूनों से खुरच दिए थे बहुत रोता हुआ मिला था भयंकर तरीके से लड़ाई होती है मैं दिखाता नहीं हूँ आप लोगों को कहीं आप लोग ना डर जाएंगे यार इतना भयंकर भी बच्चों में झगड़ा होता है बहुत भयंकर तरीके से लड़ते हैं और भाई 10:30 हो चुके हैं घर में आ गया हूँ शाम को जब पहुँचा था मुझे सवारी मिल गई थी गोवर्धन चौराहे की उनको छोड़ने गया छोड़ के वापस आ रहा था कृष्णा नगर से मेरे को एक और सवारी मिल गई एक होटल के बाहर खड़ी हुई उन्होंने ऑनलाइन वो होटल बुक कर रखा था और शायद किसी वजह से उनमें झगड़ा हुआ तो वो होटल से बाहर आ गए मेरे को बोले कि भाई एक और होटल हमने दूसरा बुक किया है गोविंद नगर में वहाँ ले चलिए मैं उनको लेके गया भाई ओयो रूम ने आज इतना घुमाया है ना कभी मैं ओयो के चक्कर में इतना नहीं घूमा वो होटल इतना अंदर कॉलोनी में जाके था किसी ने अपने घर में ही होटल बना रखा था ओयो से कॉन्टैक्ट कर लिया है बुकिंग मिल जाती है भाई ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए उसी के चक्कर में इतना लेट हो गया वरना मैं 9 बजे वापस आ जाता बहुत घूमना पड़ा है तो घर आ चुके हैं खाना पीना खाने का टाइम है मैडम हमारी सो चुकी हैं परसों से मंकू को जुखाम की शिकायत थी हल्की सी और भाई उसने पूरे घर में बांट दिया मेरे को भी हो गया मम्मी को भी हो गया और जो छोटा भाई मुरादी है उसको भी जुखाम हो रखा है 4 मेंबर पड़े हुए हैं तो मम्मी मैं जा रहा था बोल रही थी विक्स लेके आना भाई मम्मी को विक्स दे दिया अब मैं भी लगा के सोऊंगा सर्दी मुझे भी हो गई है मंकू कहाँ से लाता पता नहीं लाता नहीं है ये खुद ही ऐसे काम करता है दिन में 3-3, 4-4 बार नहाता था उसकी वजह से इसको सर्दी हो गई और पूरे घर में इसने फिर जो अच्छे तरीके से चल रहे थे उनको भी बांट दिया मंकू और अंजलि की लड़ाई भाई जैसे तैसे करके शांत किए हैं दोनों के दोनों मम्मी वाले कमरे में भाग गए क्योंकि मैं चिल्ला के पढ़ा था बहुत तेज तो भाग गए दोनों चलिए खाना पीना खाते हैं आराम करते हैं सुबह के टाइम में दिन थोड़ा सा हल्का रह गया था शाम के टाइम में थोड़ी सी पूर्ति हो गई है तो दिन अच्छा है मेरा तो चलिए दोस्तों आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए राधे राधे नमस्कार।